उस दिन के बारे में सोचकर डर लगता है जब धरती पर महाप्रलय जैसे कोई भयानक विपत्ति आएगी। क्या तब इंसानों का अस्तित्व मिट जाएगा? इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट लगातार खोज रहे हैं। धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए साइंटिस्ट ने नॉर्वे में नॉर्थ पोल के पास डूम्सडे वॉल्ट यानी कयामत के दिन की तिजोरी बनाई है। तो क्या है डूम्सडे वॉल्ट? नॉर्वे और नॉर्थ पोल के पास एस्वाल्बार्ड पर डूम्सडे वॉल्ट 2008 में बनाई गई है। इस वॉल्ट में दुनिया के करीब सभी देशों के 860,000 फसल के बीज फैलिया गेहूं चावल के सैंपल जमा किए गए हैं। न्यूक्लियर वॉर महामारी प्लय जैसी स्थिति के बाद धरती की खेती की दोबारा शुरुआत करने के लिए वॉल्ट मदद करेगी। वॉल्ट कभी नहीं खोली जाती। बीते हफ्ते दो नए बीज की खेप जमा की गई थी, तब रॉयटर्स एजेंसी ने इसकी रेयर फोटोज जारी की। गेट्स फाउंडेशन और अन्य देशों के अलावा नॉर्वे गवर्नमेंट ने वॉल्ट बनाने के लिए 60 करोड़ की रुपए दिए हैं। तो क्या है वॉल्ट में खास? धरती के 13,000 साल पुराने एग्रीकल्चर हिस्ट्री को दोहराने के लिए वॉल्ट में 825,000 बीज जमा किए गए हैं। ग्रे कंक्रीट का 400 फुट लंबा टनल माउंटेन में बनाया गया है। बिजली जाने के बाद भी वॉल्ट में 200 साल तक बीज बर्फ में जमे रह सकते हैं। इसमें सिर्फ यूएस सीनेटर के अलावा सिर्फ यूएन जनरल सेक्रेटरी बान की मून को जाने की इजाजत है। सीरिया में हुआ सबसे पहला इस्तेमाल। डूम्सडे वॉल्ट का इस्तेमाल करने वाला सीरिया पहला देश था। सिविल वॉर के दौरान सूखे इलाकों में अनाज की कमी हो गई थी, ऐसे में पहली बार वॉल्ट के इस्तेमाल किया गया था। हजारों की तादाद में बीज सीक्रेट शिपमेंट के जरिए मोरक्को और लेबनान भेजे गए थे। गेहूं जौ चना और दालों के 38,000 सैंपल भेजे गए थे, लेकिन बाढ़ की वजह से इसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका।